और उसके बाद मैं बिना किसी विलंब के राकेश बिहारी जी को आवाज दे रहा हूँ। उनके सम्मान में आपने जितना बोला है एक बुके आपको भी देना बनता है चाचा। नवीन जी को
वो शुरुआत ही होती है कहानी की पत्थरों के रड़कने की आवाज से। किसी कहानी में जाएं तो आपको हंसी की आवाज सुनाई पड़ेगी, जो मुस्कुराहट पर नहीं है, आवाज बनी होती है, जहां पर सनकती हुई आवाज होती है। आखिर क्या है ये जो आवाज बार बार आते हैं, और इन आवाजों के पीछे कहानियों में एक चुप्पियां, एक खास तरह की चुप्पी। तो मुझे लगता है ये जो कहानियां हैं वह कहीं ना कहीं हमारे समय में जो व्याप्त चुप्पियां हैं उन चुप्पियों को तोड़ने की एक आवाज है। और जो दूसरी चीज मैंने कहा कि इन कहानियों को बुजुर्ग बार बार मिलते हैं, वो बुजुर्ग जो है वही जो मैंने इस तालवाद के ऊपर एक तरह कहानी को रखा कि इसका एक तरह स्मृतियों से जुड़ता है। तो उन बुजुर्गवार चरित्रों के माध्यम से ये कहानियां बार बार आपको स्मृति में मिल जाती हैं। लेकिन ये स्मृतियां वर्तमान और ख्वाब को पूरी तरह छोड़कर सिर्फ अतीत का कोई प्रभाव नहीं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां वर्तमान बहुत शोर करता हुआ सुनाई पड़ता है। एक ऐसा वर्तमान जो कई बार हमारी कहानियों में, बहुत सारी कहानियों में अतीत और भविष्य से कट कर हमारे बीच आता है, जिसे आप बहुत हद तक तात्कालिक वर्तमान कह सकते हैं। लेकिन जब नवीन कुमार नैथानी अपनी कहानियों के साथ आते हैं और जब ये ख्वाब और स्मृति के बीच वर्तमान को रखते हैं, इसे आप यथार्थ भी कह सकते हैं, तो वह कोई तात्कालिक वर्तमान नहीं, एक ऐतिहासिक वर्तमान की तरह आपके साथ उपस्थित होता है। जो लोग सार संक्षेप में कहानियों की समीक्षा या आलोचना करने या पढ़ने के आदि, उनके लिए ये कहानियां बहुत बड़ी चुनौती पेश करती हैं। एक नहीं, कई बार पढ़ने के बाद भी यदि आपको इन कहानियों को सुनाना पड़ जाए संक्षेप में, मुझे लगता है बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि ये कहानियां अबूझ कहानियां हैं, हाँ गूढ़ जरूर है। हम अपने समय में कुछ अबूझ कहानियों से भी हमारा वास्ता पड़ता है। यह भी कहते हुए हम सुनते हैं कई बार कि यह जो सूचना समय है, जब सूचनाओं की बाढ़ है, कहानियां उससे अछूती कैसे रहे। और फिर जब सूचनाओं में कहानियां उलझ जाए तो कहानी का जो कथा तत्व है वो क्यों ना उसका हाथ छोड़ के अलग खड़ा हो जाए। नैथानी जी की कहानियां ऐसी मान्यताओं, ऐसी प्रस्तावनाओं का प्रतिबिंब रचती हैं। जिस बारीकी के साथ, जिस सूक्ष्मता के साथ ये कहानियां अपने उन ख्वाबों को आपके समक्ष रखती है जिसके लिए लिखी गई है, वह न सिर्फ पठनीय है बल्कि बहुत देर तक गुणने और मनन करने लायक है। नैथानी जी की कहानियों में संवाद अनिवार्यतः आते हैं, और वो संवाद बहुत छोटे छोटे संवाद हैं लेकिन बहुत ही मानिकेस। चोर घटना कहानी बहुत छोटी सी कहानी है, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मैं उसका शुरुआती हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। एक बार फिर पीछे से पत्थरों के लुढ़कने की आवाज के साथ वे दोनों हवा में बहसे गए।
अगला कदम जहां पड़ा वहीं पर ठहरता सा और पिछला कदम हवा में ठिठका हुआ खटा। एक बड़ा पत्थर अनेक पत्थरों में बंट गया। उन्होंने पिछला पैर भी तपते हुए पत्थरों से अटी जमीन पर रखा और पीछे गर्दन घुमाकर उस जगह को चीनने लगे जहां से आवाज फूटी थी। वहां बच्चे ने तिलकते हुए अपनी हथेली से इशारा किया। पीछे पथरीली ढलान पर एक मटमैला धब्बा उभर आया था। देखा कितना बड़ा पत्थर गिरा। पिता ने बच्चे की हथेली थाम ली। यह पत्थर किसने गिराया? बच्चे की आंखें फैली हुई थी। किसी ने नहीं गिराया, अपने आप गिर गया। क्यों? पहले नीचे का पत्थर गिरा था। वह क्यों गिरा था? उसके नीचे भी एक पत्थर था। अच्छा, जिस पत्थर के नीचे का पत्थर गिर जाए वह पत्थर भी गिर जाता है। बच्चा चहक कर आगे बढ़ गया। संवाद की सहजता और सहजता के साथ साथ उसके भीतर छुपा हुआ हर्ष, कैसे पूरी कहानी की एक आधारशिला आपके समक्ष रखता है। किसी कहानी की शुरुआत मुझे लगता है उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। मैं जब ख्वाब की बात करता हूँ, अभी पीछे बार बार इस संग्रह की बात हुई सॉरी की कहानियाँ। सॉरी एक गांव है, वह गांव जो कथाकार की कल्पना का गांव है। एक ऐसा गांव जो कई अर्थों में निश्चल निष्कल उस निष्कपट हो सकता है। जो घटना कहानी है वैसे ही आगे के उसी अंचल के खास जगह को संबोधित कहानी है। उस जगह की खोज की कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से निकलने के बाद जब कोई फिर लौटता है बाहर से, जब वह अपनी कमाई लेकर आता है, वह कमाई कैसी जहां पे वो तमाम व्यवहारिक चीजें दुनियावी चीजें छल छत्म लेकर आता है कमाई के रूप में, वहां आते ही उसकी स्मृति जो है धोखा दे देती है। वो सारी चीजों से मुक्त हो जाता है, अपनी कमाई वहीं पर रख जाता है और उसकी कमाई उसके साथ रह नहीं जाती। उस जगह की तलाश है इस कहानी, बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन उस जगह को पहुंचने के लिए, उस जगह को चीनने के लिए जिस अनिवार्यता की तरफ कहानीकार आखिर में जाकर इशारा करता है, कई बार आप ठगे से रहते हैं कि आखिर कहानी खत्म कैसे हो गई, हुआ क्या यहाँ, या कहानी में भी और कुछ बचा हुआ था? ऐसा तो नहीं कि इसके कुछ पन्ने रह गए छपने को। और जब बार बार उस हिस्से पर जाकर पढ़ते हैं तो समझ में आता है कैसे एक बच्चा जो तमाम दुनियावी स्थितियों से अलग है, इन कलुष वो पूरी तरह की तरह से निष्कलुष है, निष्कपट है, वही है जो पहुंच पाया है जगह पर और उसको फिर कोई नहीं देख पाया, क्योंकि उसको देखने जैसे एक निष्कलुष निष्कपट ने उस जगह की शिनाख्त की, वैसे ही उस निष्कलुष निष्कपट व्यक्ति को देखने के लिए भी हमारे भीतर वैसे ही निष्कलुष और निष्कपट एक दृष्टि चाहिए जो नहीं है और हम उस बच्चे को नहीं देख पा रहे। ये जो बारीकियां हैं हम सुनते रहे हैं कि किंवदंतियों से कहानियां बनती हैं। नैथानी जी कई बार उस मुहावरे को भी पलटते हैं, इनकी कहानियां किंवदंती है, चाहे वो सॉरी का काम हो या इस तरह के ख्वाब जो कहीं ना कहीं एक लेखक की यूटोपिया है कि काश वो हमारे सामने मूर्त हो पाता। वैसे ही किसी एक लोग की तलाश में किसी की कहानियां हैं। एक जगह भटकन और यात्रा का भी वर्णन आता है कहानी में, और कहानी बताती है कि भटकने और यात्रा में क्या अंतर होता है। यह एक ऐसी यात्रा है ये कहानियां जो अपने उस देखने के ख्वाब का पीछा कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ यह यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा कभी नहीं होती। इस यात्रा में और कई कई यात्राएं शामिल होंगी। नवीन भाई बहुत
थोड़ी मात्रा में कहानियाँ लिखते रहे। मैं चाहूँगा हालांकि ऐसी कोई फरमाइश नहीं करनी चाहिए किसी लेखक से, लेकिन मैंने इनका आत्मतथ्य भी पढ़ा है और उस आत्मतथ्य को पढ़ने के बाद यह कहने की साहस करता हूँ कि आप हम लोगों के लिए और कहानियाँ लिखा करें। अपनी कहानियों को इस बात के लिए सिर्फ ना छोड़ दें कि जब चाहे तभी आपसे लिखवाएंगे, जो कहानियाँ आपके भीतर हैं अधूरी पड़ी हैं उन्हें जरूर पूरा करें। मैं तो इस लोभ में भी कह रहा हूँ कि शायद उसमें से किसी को छापने का भी सुख मिले मुझे। मैं एक बार फिर नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबका धन्यवाद कि आप मुझे धैर्य देते हैं। शाम हुई थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। जब कहानी में निष्कपटता निश्चलता को एक मूल्य की तरह स्थापित किए जाने की बात राकेश मणि कर रहे थे तो एक खलील गिब्रान का संदर्भ याद आया। एक सब्जी वाला है, लोग आते हैं और छोटा सिक्का उसे देते हैं और सब्जी ले जाते हैं। वो कभी गुरेज नहीं करता छोटा सिक्का लेने से, छोटा सिक्का लेता है और बदले में सब्जी देता है और मोहल्ले भर को पता चल गया कि वो छोटा सिक्का लेके सब्जियां दे दिया करता है, कोई एतराज़ नहीं करता। तो लोग जगह जगह से आते हैं कि भाई वो तो कुछ मना नहीं करता। उस सब्जी वाले की अंतिम बेला है, वो प्रार्थना कर रहा है, या परवरदिगार तू तो जानता ही है कि मैं लोगों से छोटे सिक्के लेता रहा और बदले में उन्हें सब्जी देता रहा, तरकारी देता रहा, बेचता रहा। आज एक छोटा सिक्का तेरे पास आ रहा है, उम्मीद है तू कबूल फरमाए। कहानी किस तरह से अपने आप को स्वीकृत कराती है, कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। क्या बात है, ये लगे कि ये मेरी बात कही गई है।